हाय दोस्तों, मैं हूँ आमिर। आज आपको सिखाने जा रहे हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है उसका इन्वर्स कैसे निकले। ठीक है, सपोज ए मैट्रिक्स गिवन है 1 1 2 2 4 4 3 3 7, इसका इन्वर्स निकालना है हमें। ठीक है, इसका इन्वर्स अप्लाई क्या करेंगे, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से इसका इन्वर्स निकालेंगे। सेम कैसे देखो, ठीक है, ए आई इजिकल टू, यहाँ पर आई क्या है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो 1 1 2 2 4 4 3 3 7, और आई क्या है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हमको क्या करना है, आप देखो इसको जो मैट्रिक्स ए, इसको अब आइडेंटिटी आकार में ले आना है। ठीक है, आइडेंटिटी फॉर्म पे, मैंने 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आकार के फॉर्म पे लेना है, और इसमें जो आएगा वो इसका इन्वर्स होगा। तो कैसे देखो, ठीक है, क्या करेंगे, 1 है, इसको 0 और इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, सो 8 चेंज करेंगे, 8 डैश 8 माइनस 2 आर ऑन, सो क्या 1 1 2 0 2 0 3 3 7, क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या, अब इसको इसको 0 करेंगे, तो क्या R3 चेंज करूंगा, R3 डैश R3 माइनस 3 आर ऑन। देखो 1 1 2, क्या करेंगे, R3 से 3 आर ऑन अगर बात देंगे तो यहाँ पर 0 आ गए, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 0 2 0 0 0 1 1 0 0 माइनस 2 0 1 माइनस 2 1 0, सो फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हम रॉन्ग किया है, यहाँ पर होगा -2, यहाँ पर 1 और पर 0। ठीक है, सो -2 1 0, यहाँ पर -3 0 1। अब देखो 1 इसके नीचे 0 0 आ गया, अब इस 2 को क्या करेंगे, 1 करेंगे, इस 2 को 1 करना है हमें, तो फिर क्या करेंगे, 8 2 को चेंज करूंगा, 8 2 डैश हाफ 8 2, तो क्या होगा 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 माइनस 1 हाफ 0। इसके बाद क्या होगा, -3 0 1 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 0 आ गया, इसको 0 करना है हमें, इनका मतलब R1 चेंज करेंगे। ठीक है, तो R1 डैश R1 माइनस R2, तो क्या होगा 1 0 2 0 1 0 0 1 2 माइनस हाफ 0 माइनस 1 हाफ 0 माइनस 3 0 1। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर 0 आ गया, वहां पर 0 आ गया, इसको अब क्या करना है, 0 करना है,
तो क्या करेंगे, आर वन फिर से आर वन चेंज करूंगा, आर वन प्लस आर वन माइनस टू आर थ्री, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है ठीक है, तो नंबर कट नहीं होगा। तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन एट माइनस हाफ माइनस टू माइनस वन हाफ जीरो माइनस थ्री जीरो वन। अब देखो जो ये मैट्रिक्स था ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म पे आ गया ठीक है, त्रिकोण का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने कहा था इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एक बार जो होगा वो इसका इन्वर्स होगा। तो फिर द रिक्वायर इन्वर्स मैट्रिक्स इज, तो इन्वर्स क्या होगा, इसमें जो मैट्रिक्स था वो ही इसका इन्वर्स हो जाएगा ठीक है। तो एट माइनस हाफ माइनस टू माइनस वन हाफ जीरो माइनस थ्री जीरो वन, सो इन्वर्स होगा। इस यही है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से इन्वर्स निकालना ठीक है। तो हम क्या किए, मैट्रिक्स गिवन था उसको ए आई ए आई आकार पे लिखा ठीक है, जो ये मैट्रिक्स था इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ले आए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ले आए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ले आना है हमें। तो फिर जैसे रैंक बढ़ करते हैं वैसे ही करेंगे, ये आ गया इसका इसका क्या होगा त्रिकोण का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर जो आ गया वही इसका इन्वर्स होगा। सो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ये तो हो गया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।